तो गाइस जब थॉर रैग्नारॉक की एंडिंग हो रही थी उस समय हमें समझ में आ गया था कि आने वाली मूवी बहुत खतरनाक होने वाली है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर थॉर से ही शुरू हुई थी और थॉर से ही एंडिंग हुई, पर इन्फिनिटी वॉर ने पूरा थॉर की लाइफ ही को चेंज करके रख दिया। हमें थॉर का प्राइम हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला, हमें थॉर का एंगर इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला, और यही नहीं हमें सबसे डेडली वेपन स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला, जो 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोर को ओवर पावर करके थानोस की छाती में घुसा था। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर क्यों नहीं जीत पाए जबकि थॉर अपने प्राइम पे था, उसने थानोस को लगभग मार ही दिया था। जब थानोस वकांडा में आया था तो किसी को पता नहीं था कि थानोस के पास 5 स्टोन्स है, थॉर को भी लग रहा था कि थानोस के पास 1 या 2 स्टोन होंगे, इसलिए थॉर ने अटैक किया सीधा के थानोस के चेस्ट पे। क्योंकि जब थानोस ने लोकी को मारा था तो उसके सामने मारा था, जब थॉर कुछ नहीं कर पाया था तो थॉर भी यही चाहता था कि जब थॉर थानोस को मारे तो थानोस भी कुछ ना कर पाए। लेकिन गाइस हुआ कुछ उल्टा, सीधा थानोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन था और थॉर को आने में जरा सी लेट हो गई थी, इसके चलते ही थानोस स्नैप कर पाया था। लेकिन इन्फिनिटी वॉर के चलते ही थॉर के इतने फैन फॉलोइंग आज हो चुके हैं, और आज भी जब एमसीयू की नंबर 1 एंटी का बात किया जाता है तब थॉर का ही नाम आया जाता है, जब थॉर ने वकांडा में एंटी मारी थी। तो गाइस आपको क्या लगता है, थॉर की जैसी एंटी हुई थी इन्फिनिटी वॉर में, वैसे ही सेम एंटी अगली मूवी में मार्वल्स बना पाएगा? क्योंकि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को निकलने में अभी मात्र 2 या 3 साल बचे हैं। तो क्या आपको लगता है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में ऐसा कुछ हो पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमें अगली वीडियो में।